टू माई चैनल ई फूड रेसिपी में आपका स्वागत है। वैसे तो ये रेसिपी का चैनल है लेकिन खाने पीने से संबंधित, लेकिन आज बहुत बड़ा विषय बन गया है कोरोना वायरस, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, भारत में भी पहुंच गया है चीन से। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसे कैसे पहुँचा जाए, कैसे फैलता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और भी लोग इससे बच सकें। तो जैसा कि आप ये वीडियो भी देख रहे हैं कि ये छोटा सा बच्चा है जो कि पैदा हुआ है, कोरोना वायरस से प्रभावित हो गया ये भी बच्चा, क्योंकि इसकी माँ को भी कोरोना वायरस हो गया था। तो ये कोरोना वायरस आखिर है क्या, ये कहाँ से आया, ये चीन से आया है और इसे वुहान वायरस भी कहा जाता है। और ये अब भारत में भी सतर्कता बरती जाने लगी क्योंकि ये भारत में भी पहुंच चुका है कोरोना वायरस। और ख़ासकर आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप छोटे बच्चों और बूढ़ों को इससे, बुजुर्ग आदमी को इससे बचाव ज़्यादा करिए, क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है कम होती है। तो आप इसका बचाव ज़रूर करें कोरोना वायरस का। देखिए ये छोटा सा बच्चा है, ये बहुत ही दुखद वाला वीडियो है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है, इसको भी कोरोना वायरस हो गया। तो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है कोरोना वायरस। देश की राजधानी समेत मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता हवाई अड्डे थर्मल स्क्रीनिंग व्यवस्था की गई है। और ये मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद मतलब बड़े बड़े शहरों में भी ये फैल चुका है कोरोना वायरस। तो आप इसका बचाव ज़रूर करें और इसको बचाव करने के लिए, इसकी सुरक्षा करने के लिए आप अपने हाथ को साफ रखें और अपने हाथ को 20 सेकंड तक धुलें खाने से पहले, और अपने मतलब मास्क को पहनकर हमेशा रखें, और खाद बाहर की खाद्य पदार्थ की वस्तुओं को खाना कम करें या इसका सेवन ना ही करें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी बीमार पड़े, बुखार के लक्षण भी दिखाई दें, तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और इससे बचें। तो थैंक यू, धन्यवाद।